हेलो दोस्तों, और एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि YouTube थंबनेल इतना इम्प्रूव हो गया कि YouTube थंबनेल जैसा बनाइएगा वैसा ही आप लोगों का वीडियो रैंक करेगा। ठीक है, तो YouTube थंबनेल कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कौन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो को, कैसे YouTube थंबनेल क्रिएट करते हैं। चलिए, पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में सर्च करना है पिक्सेल लैब। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पिक्सेल लैब। देखिए ऊपर में आ गया पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब को आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो मेरा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो अभी है परमिशन दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले से किया हुआ था, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे आएगा न्यू टेक्स्ट पहले वाला। तो आपको सिंपली आपको पहले थ्री डॉट में क्लिक करना है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज सब कुछ यहाँ देखिए फुल स्क्रीन लिखा है, तो आपको इमेज साइज में जाना है। इमेज साइज यहाँ से क्लिक, यहाँ पर देखिए कस्टम लिखा, कस्टम की जगह यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल नीचे देखिए लिखा हुआ देखिए 5 नंबर में देखिए यूट्यूब थंबनेल लिखा है। यूट्यूब थंबनेल क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपने आप हाइट वेट सब कुछ सिलेक्ट हो, 1280x720 यहाँ सिलेक्ट कर लेना है यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए। या फिर न्यू टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है, ऊपर से पेंसिल का आइकॉन, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर ओके कर देना है। डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ आपको उसके बाद और एक काम करना है, यहाँ आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ आपको रिमूव बीजी, पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि रिमूव बीजी से कैसे वीडियो फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर रहे हैं, तो उस वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अपलोड इमेज के मैं क्लिक करते हैं। अपलोड इमेज में क्लिक करने के बाद यहाँ जो फ़ोटो आपको थंबनेल में लगाना है वही फ़ोटो आपको खींच लेना है पहले मोबाइल के थ्रू से। आपको देखिए यहाँ हम दिखाते हैं आपको, अपलोड इमेज में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी फ़ोटो आपको बैकग्राउंड चेंज करना है वही वाला फ़ोटो मैं देख, जैसे ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला फ़ोटो का पीछे वाला बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। देखिए पीछे वाला बैकग्राउंड पूरा पूरी चेंज हो गया है। ऐसे ऐसे वाइट रखने देना है। ठीक है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो हम सीधा गैलरी में जाते हैं, देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए आपका पीछे वाला बैकग्राउंड हट गया है, तो यही वाला कस्टम आपको वहाँ पर सेट करना है पिक्सेल लैब में। तब वो जाना है यहाँ पर पिक्सेल लैब। ठीक है, चल जाए पिक्सेल लैब के जाने के बाद प्लस वाला आइकन में क्लिक कीजिए। प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी जहाँ पर लिखा है फ्रॉम गैलरी में जाइए। फ्रॉम गैलरी में जाने के लिए उसके बाद देखिए फ़ोटो अपने आप आएगा यहाँ पर। देखिए फ़ोटो पहले ही आ गया है, इसको क्लिक कर लेना है कि इतना साइज रखना है। साइज देख लीजिए, साइज आपको यहाँ से कर लेना है कितना बड़ा रखना है, मैं इतना ही रखूँगा। ठीक है, हो गया है। यहाँ साइज फ़ोटो का साइज भी चेंज कर सकते हैं। हो गया फ़ोटो, देखिए तो इसको आप अपने हिसाब से फ़ोटो को बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको रखना है फ़ोटो तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करने के बाद टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। टेक्स्ट टेक्स्ट देखिए न्यू टेक्स्ट आ गया ना, यहाँ पर क्लिक कीजिए दोबारा। डबल डबल क्लिक करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जिस प्रकार का वीडियो बनाए हैं वही हिसाब से आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी जैसे लिख सकता हूँ लिख सकती है। जैसे यूट्यूब में थंबनेल कैसे बनाएं, यहाँ आपको साइज क्लियर कर लेना है।
ठीक है, हो गया। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका साइज भी चेंज कर, साइज भी बड़ा कर सकते हैं। लिखा हुआ जो है साइज चेंज करने की ज़रूरत नहीं इसका। यहाँ पर फ्रंट में जाइए, फ्रंट में इसका देखिए बहुत सारा मोटा लिखा आया, पतला लिखा हुआ आएगा। इसको क्लिक कर लीजिए कोई भी, जैसे आपको बढ़िया लगेगा। जैसे मैं ये वाला कर लेता हूँ सिंपली। करने के बाद यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं। कलर भी दे दीजिए, शायद यहाँ पर देखिए रेड कलर दे दिया। ठीक है, रेड कलर देने के बाद यहाँ पर शेडो का आएगा ऑप्शन, शेडो वाला में क्लिक कर दीजिए। देखिए शेडो वाला में ऑन कर दीजिए तो फोटो थोड़ा ये आ जाएगा। फोटो को भी आपको शेडो में, शेडो क्लिक करके शेडो कर सकते हैं तो बढ़िया दिखेगा। जैसे फ़ोटो वाला में क्लिक किए, उसके बाद शेडो का ऑप्शन यहाँ है, शेडो ऑन कर दीजिए। ऑन कर दीजिए, देखिए कैसा फ़ोटो आ गया है। वैसे इस प्रकार से आप लिख के कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे ही फ़ोटो आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। अपलोड एक्सपोर्ट इमेज लिखा है, देखिए यूज यहाँ पर 4 नंबर में एक्सपोर्ट इमेज लिखा है। एक्सपोर्ट इमेज में क्लिक करना है, आपको साइज सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर सेव टू गैलरी आ रहा है, तो यहाँ पर सेव टू गैलरी क्लिक कर दीजिए। देखिए सेव हो जाएगा। यहाँ पर बैक जाइए, बैक जाने के बाद गैलरी में देखिए देखिए आ गया है। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, थंबनेल के लिए बहुत बढ़िया है ये एप्टो। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे इस YouTube थंबनेल के बारे में जो बताएं वो बोला आपको बहुत बढ़िया सीखने को मिल गया होगा। तो आजकल YouTube थंबनेल यदि बढ़िया नहीं होगा ना, तो आपको कोई वीडियो देख नहीं आएगा, वीडियो आपको क्लिक ही नहीं करेगा। जैसे CTR जैसे आज बहुत ज़माना चल रहा है, जैसे क्लिक थ्रू रेट, जिस आपका थंबनेल अच्छा रहेगा तो आप तभी ना आपको वीडियो क्लिक करेगा। तो थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपको तो मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा से आपका थंबनेल क्रिएट होगा। तो जो भी इस वीडियो में नया आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।